How was it? बारिश हो रही है बहुत तेज कर भागो। इस व्लॉग में आपको बताऊंगा टॉप पीआर कोर्सेज फॉर ऑस्ट्रेलिया। Hi guys, hi, hello everyone, welcome back to another vlog. This is Caps Vlog. और ये vlog है दो रीज़न की वजह से। पहला मूवी देखने जा रहा हूँ वकांडा फॉरएवर, दूसरा हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है वकांडा फॉरएवर एंड छोटा बच्चा। और इस vlog में मैं आपको बताऊँगा टॉप PR कोर्सेज फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो चलते हैं दोस्तों के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स एंड मूवी फिर इन्फॉर्मेशन भी देंगे साथ साथ। और उसमें पहले बोलता हूँ, अगर आपने मूवी देख लिया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको कैसी लगी। बस इतना ही बोलना था अभी, व्लॉग एंजॉय करो। How was it? I laughed at her. So we are done with the movie. It was really a good movie, अच्छी मूवी थी, but थोड़ी प्लेन थी आई वुड से, क्योंकि मूवी क्या होता है यूजुअली क्या होता है कि थोड़ा सा मार्वल के में एक्शन आता है, फिर स्टोरी आती है, फिर एक्शन आता है, फिर सस्पेंस आता है। बहुत प्लेन थी, बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा मूवी के साथ और ब्लैक पैंथर इतना बड़ा करेक्टर उसका जस्टिस नहीं हुआ। बट या जैसी भी थी अच्छी थी, एक्शन सीक्वेंस अच्छे हैं, साउंड इफेक्ट्स रियली गुड। बाय द वे हमारे जो आधे लोग थे वो जा चुके हैं, हम लोगों ने KFC में थोड़ा सा खाना खाया एंड कुछ लोगों ने नहीं खाया जो नॉनवेज नहीं खाते। सो यू गोइंग मेरी नाक ठंडी हो रही है, लाल हो रही है और आप मौसम देख सकते हैं, बारिश हो रही है बहुत तेज। और बस मैं क्या बताऊँ, ये जो प्लान था हमारा यहाँ आने का, मैं और भावना के साथ, बारिश हो रही है बहुत तेज, घर भागो।
मेरे को बस नाश्ता करना था और मौसम इतना बुरा हो रहा है, मैं पूरी तरीके से पी रहा हूँ, ठंड हो रही है, ठंड पसंद नहीं है, तो घर वालों ठंड लग रही है मेरे को। तीन मिनट पहले की बारिश देख लो। हाय, तो मौसम के खराब होने के कारण हमें व्लॉग को वहाँ रोकना पड़ा, हमें वहाँ से भागना पड़ा और घर आना पड़ा। मैं कंटिन्यू करता हूँ व्लॉग को। अभी जस्ट मैं जिम से आया हूँ, सबसे पहले अपना शेक, प्रोटीन शेक और अंडे मैंने उबाल दिए, इसको छीलते हैं, खाते हैं और साथ साथ व्लॉग को पूरा करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि टॉप जो कोर्सेज हैं पीआर के लिए ऑस्ट्रेलिया में वो कौन से हैं। सो एक कैटेगरी है जिसमें पीआर जल्दी मिलती है या आसान है ज़्यादा लेना बाकी के मुकाबले, वो है ट्रेड कोर्सेज। ट्रेड कोर्सेज में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन एंड और भी जो ये जॉब्स होती हैं इस तरीके की, तो इन सब चीज़ों की डिमांड है, तो इसलिए इन सब में आप अगर बैचलर डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट इट इजीली। तो जो अगला पॉइंट आता है वो होता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी सारी आती हैं, सिविल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चरल, सॉफ्टवेयर, बायो मैकेनिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन चीज़ों की जॉब्स हाई इन डिमांड रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में। और हमेशा याद रखना, जिस चीज़ की जॉब्स हाई इन डिमांड होगी उस चीज़ में ज़्यादा पीआर मिलने के चांसेस होते हैं। और पीआर मिलने का प्रोसेस मैंने बताया था, स्टूडेंट, उसके बाद आप वर्क वीज़ा पे आते हो तो आपको काम करना है, और जब आप अपने काम के एक पर्टिकुलर आवर्स होते हैं हर एक कोर्स का अलग, वो जैसे जैसे आप करोगे आपको पता चलता रहेगा, तो उनको पूरा करने के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो, सिंपल। तो इनकी डिमांड ज़्यादा है तो जॉब ज़्यादा है, जॉब ज़्यादा है तो आप जल्दी आर्ट्स पूरे कर पाओगे, आर्ट्स पूरे कर पाओगे तो पीआर के लिए अप्लाई कर पाओगे। प्लस एक चीज़ और हमेशा रखना, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ में लोग ज़्यादा आएंगे तो कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, सिंपल। अगली चीज़ आईटी फील्ड। आईटी फील्ड में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, यू नो दिस, बट जस्ट मैं बताता हूँ। आईटी फील्ड में आईसीटी, बिजनेस एंड सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर नेटवर्किंग और भी चीज़ें हैं, बट जो ये छोटी छोटी फील्ड्स होती हैं जैसे कि हम, मेरी जो मैं कोर्स कर रहा हूँ वो एनिमेशन से रिलेटेड है, डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो बहुत नीच कोर्स है, ज़्यादा लोग नहीं आते करने, तो इट्स प्रिटी हार्ड टू फाइंड या अप्लाई फॉर पीआर इन दीज कोर्सेज, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स प्रिटी हार्ड। सो अभी के लिए आईटी फील्ड को अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो यही कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा जल्दी पीआर मिलने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एजुकेशन और टीचिंग। एजुकेशन टीचिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद समझ जाओगे। प्राइमरी स्कूल टीचर, सेकेंडरी स्कूल टीचर, वोकेशनल एजुकेशन टीचर, यूनिवर्सिटी लेक्चर, इंग्लिश लेक्चर फॉर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते उनके लिए इंग्लिश टीचर अगर आप बनते हो तो टीचिंग एजुकेशन में भी पीआर है। ये नेक्स्ट पॉइंट था। इसके अगला पॉइंट ऑटोमोटिव, मोटरसाइकिल मैकेनिक, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, डीजल मोटर मैकेनिक एक्सेट्रा, इस तरीके की जो गाड़ियों से रिलेटेड होती है इनकी जॉब्स हाई इन डिमांड होती है, तो अगर आप इसमें स्टडी करते हो डिप्लोमा या बैचलर या जो भी आप पढ़ोगे और फिर उसके बाद आप अप्लाई करते हो जॉब्स के, तो आपको जॉब भी जल्दी से मिल जाएगी क्योंकि डिमांड में, और आप जल्दी जॉब मिलेगी तो ज़्यादा जल्दी काम पर जा सकते हो, वर्क वीज़ा का यूज़ कर सकते हो, आर्ट्स पूरा कर सकते हो, उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगला पॉइंट बताता हूँ, बट अंडे छील लेते हैं, अंडे छीलना शुरू करो। एक मैंने कमेंट पढ़ा था, उसमें कहा था कि एक बंदे ने कहा था कि आप दिन भर में कैसे खाना बना सकते हो, शाम का, दिन का, रात का, तो उसका व्लॉग बनाओ। सी, उसका व्लॉग बनाना इम्पॉसिबल है क्योंकि हर दिन बंदा घर में होता भी नहीं, हर दिन खाना बनाता भी नहीं, और इसका क्या व्लॉग बनाओगे यार। जो आपको बनाना है बनाओ, खाना खाओ, यूट्यूब से देख लो, नहीं तो घर वालों से पूछ लो कैसे बनती चीज़ें, सिंपल चीज़ें। सो जो अगला पॉइंट है वो है मेडिकल। मेडिकल सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर में भी स्पेशलाइजेशन होती है अलग अलग चीज़ों की, तो अगर आपको कुछ एग्जांपल दूँ, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर,
जो जीपी बोलते हैं कुछ लोग उसको, एंड एक्सेट्रा. मेडिकल लाइन बहुत बड़ी है, सो अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर टू चेक कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हो और उसमें पीआर है नहीं है. मतलब होती है, सी हर चीज़ में पीआर मिल जाएगी आपको, लेकिन बस यही है कि जिस चीज़ में आप आ रहे हो उसमें आपको ईजी है नहीं है वो फिगर आउट करना पड़ता है. तो ये मैं आपको वो कोर्सेज बता रहा हूँ जिनकी डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए और आपको जल्दी पीआर मिल सकती है. मेडिकल लाइन हो गया, एक आता है नर्सिंग. नर्सिंग जो डॉक्टर्स के साथ रहती है, पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं. नर्सिंग मुझे समझाने का मतलब ज़रूरत नहीं है कि नर्सिंग क्या होती है, आप लोगों को पता होगा. सो उसमें भी पीआर काफ़ी अच्छी है डिमांड में, क्योंकि और वैसे भी कोविड के बाद तो डॉक्टर्स की और नर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत बुरा हाल था. तो जो अगला पॉइंट है वो है अंडा, नहीं बताता हूँ एक सेकेंड. सो जो अगला पॉइंट है वो है अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग जो फील्ड है वो उसमें जॉब्स किस तरीके की निकलती हैं, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ एक तो जनरल अकाउंटेंट, टैक्सेशन अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और भी मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ इस फील्ड में क्योंकि मेरी फील्ड बिल्कुल नहीं है, मैं कॉमर्स से नहीं हूँ तो मुझे कॉमर्स की जॉब्स का भी ज़्यादा नहीं पता. बट मैंने एक बेसिक आइडिया जहाँ से लिया था उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ. तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, मैं हर एक को कह रहा हूँ जो भी यहाँ आ रहा है वो एक बार अपने कोर्स की ए टू जेड सारी नॉलेज लेके आए. और अगर आपको नहीं पता कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे हो आपके लिए ठीक है नहीं है, तो यूनिवर्सिटी को कैसे चूज़ करते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ये रहा. तो देखना चाहो देख सकते हो एंड आपको हेल्प मिलेगी उस वीडियो से, क्योंकि बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. मैंने जब चूज़ करी थी तो मैं भी बहुत परेशान था कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए सही रहेगी कौन सी नहीं. सो इसको भी ख़त्म कर दूँगा. सो अगला है सोशल वर्क. सोशल वर्क जैसे कि साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं सोशल वर्क में आता है, ठीक है. एंड साइकेट्रिस्ट, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ कर देना, लेकिन आप समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी और जो अदर हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विसेज होती हैं उसमें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है अगर आप उसमें अप्लाई करते हो जॉब के स्टडी के लिए, एंड देन आप उसमें जॉब बाद में अप्लाई करते हो और उसके बाद आपको पीआर मिल जाती है. क्योंकि इन लोगों की नीड रहती है, किसी भी देश में इन लोगों की तो हमेशा नीड रहती है, बट ऑस्ट्रेलिया में है तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की बात बताऊँगा. सो यू कैन अप्लाई फॉर इट. मैं बोल रहा हूँ नर्सिंग, डॉक्टर्स और ये सोशल वर्क, हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विसेज, इन लोगों की नीड बढ़ चुकी है कोविड के बाद. तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप लोग इस चीज़ में अपना एनरोल करना चाहते हो, फ्यूचर में आना चाहते हो. सो एक मेडिकल लाइन से रिलेटेड लाइन है और ये बहुत डिमांड में रहती है ऑस्ट्रेलिया में. अब सोचो कौन सी, सोचने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ मैं बता दूंगा. तो इस लाइन का नाम है डेंटिस्ट. अब डेंटिस्ट में भी अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, अलग अलग फील्ड निकलती हैं. जैसे डेंटल, जैसे अगर मैं आपको नेट पे देख के बताऊं, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल थेरेपिस्ट, डेंटल प्रोस्थेटिस्ट, भाई इससे आगे तो पता नहीं क्या ही होगा. सो या ये सब डेंटिस्ट से रिलेटेड होती हैं. सो आप इनमें आ सकते हो, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो और पीआर ले सकते हो. लेकिन डायरेक्टली पीआर नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोसीजर स्टूडेंट वर्क फिर पीआर. सो जो एक लास्ट पॉइंट बचता है वो है हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बेकर, शेफ, पेस्ट्री कुक, कैफे मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, होटल मैनेजर, मोटेल मैनेजर, बहुत सारी. तो ये सारी चीज़ें हॉस्पिटैलिटी के अंदर आती हैं. तो इन सब की डिमांड रहती है ऑस्ट्रेलिया में हमेशा. सो जो लास्ट पॉइंट बचा है वो थोड़ा सा ट्रेड कोर्सेज से रिलेटेड है, बट फिर मैं बता देता हूँ कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा. मेरा फ़ोन आ गया था सो इस वजह से मैं पॉइंट पूरा नहीं कर पाया. ट्रेड कोर्स से रिलेटेड है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, या फिर इनसे रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, बहुत सारी जॉब्स होती हैं, मैं एक एक डिफाइन नहीं कर सकता, बट यू हैव द ओवरऑल आइडिया बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन क्या होता है. सो ये सारे वो कोर्सेज थे जो हाई इन डिमांड है पीआर के लिए ऑस्ट्रेलिया में. मैं फिर से एक चीज़ कह रहा हूँ, जो कोर्सेज में पीआर नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता. आपको सिर्फ अपनी स्टडी, जिस भी आप स्टडी में कर, जो आप जिस चीज़ में स्टडी करना आ रहे हो स्टडी करो,
जो भी आपका मन है, ये वो हैं जो हाई एंड डिमांड्स हैं, मैंने आपको बता दिया। बाकी भी जॉब्स हैं, बट बहुत मुश्किल होता है मिलना, लेकिन अगर आप पढ़ते हो, यू हैव द कैपेबिलिटी स्किल्स एंड एवरीथिंग एंड यू अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड देन यू गेट द जो एंड यू गेट दोज जॉब्स विच यू वॉन्ट। सो उसके बाद आप सिंपल अपनी PR फाइल कर सकते हो। CPR का मतलब ये है कि वो चीज़ या वो जॉब करने वाले लोग अगर उस कंट्री में प्रेजेंट नहीं है, देन दे हायर पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। सिंपल। तो अगर आप ऐसी स्किल के साथ बैठे हो जो आप ही के पास है, तो कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देगी, आपके लिए वीज़ा डाल देगी और आपकी नीड है उस कंपनी को। तो डोंट वरी, आप अप्लाई करो, आप अपनी पढ़ाई करो, जिस कोर्स को आप करना चाहते हो करो, PR वगैरह का बाद में सोचना। और अगर आप पहले से ही सोच रहे हो तो मैंने आपको कोर्सेज बता दिए, ये हाई एंड डिमांड्स हैं। और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो भी मेरे को PR के रिलेटेड नॉलेज मिलेगी, मैं आपको ब्लॉग में देता रहूँगा, कमेंट सेक्शन में डालते रहना। सो मैं अपनी डाइट लेता हूँ, चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू गाइस, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि घर पे सब लोग सो भी रहे होते हैं। सो बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू गाइस, बाय बाय।